आगरा के थाना बरहेट क्षेत्र के खेड़ी अड़ू गांव का सस्ता गल्ला राशन कोटेदार राशन कार्ड होल्डरों के साथ खुली गुंडई कर रहे हैं। कोटेदार से राशन मांगने पर उसको जाति सूचित गंदी गंदी गालियां दे रहा है। दलित को गाली देने का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कोटेदार से राशन का मालूम करने पर उसको जाति सूचक गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। क्या दलित होना उसका कोई अपराध है? राशन कोटेदार व्यक्ति है जो पिछले कई महीनों से राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं दे रहा है, उनके राशन की कालाबाजारी करता है। ऑडियो में आप बिल्कुल साफ साफ सुन सकते हैं कि किस तरह से उसको उसकी जाति का एहसास दिलाया जा रहा है। बताते चले, तहसील एतमादपुर क्षेत्र के खेड़ी अड़ू में रेशमती नाम से गल्ला का कोटा है, जिसका संचालक उसका पति कुमरपाल सिंह एवं उसका बेटा जीतू ठाकुर करते हैं। कोटेदार अपनी मनमानी के चलते राशन कार्ड होल्डरों से बायोमेट्रिक्स मशीन पर उनका अंगूठा लगवा लेता है और उनको राशन नहीं देता है। बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगवाकर उनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई का झांसा देकर उन गरीबों को वहां से भगा देता है। दबंग कोटेदार महीनों से गरीबों के हक के राशन को डकार रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के मंसूबों पर पलीता लगा रहा है। उत्तर प्रदेश ने कोरोना काल के देखते हुए करीब लोगों को महीने में दो बार फ्री राशन वितरण करने का आदेश दिया था, लेकिन दबंग कोटेदार गरीबों के पेट पर लात मार कर राशन कालाबाजारी को अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें आपूर्ति अधिकारियों की संलिप्तता भी नजर आती है। अगर इसकी उच्च अधिकारियों से जांच करवाई जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि दबंग राशन कोटेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और गरीबों के पेट पर डाका डालने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। राशन के लिए परेशान करते हुए जहाँ महीना पर पिछले महीना पर राशन पहले बार मने कर दी जाने के, मेरे पास जितना आया था उतना मैंने बांट दिया, मेरे पास कोई राशन नहीं है। मेरे पास स्टॉक ही नहीं है मार्च महीने का। अच्छा, मार्च के महीने कोई राशन ही नहीं दिया किसी? बिल्कुल राशन ही नहीं दिया, ये बोल दिया कि खत्म हो गया, जितने लोगों का आया था उतना बांट दिया, तुम्हारा नहीं है। हमने बोला भाई राशन क्यों नहीं आया, हमारा कार्ड नहीं है। ऐसे ऐसे कितने लोगों को राशन नहीं दिया? कम से कम हमारे गाँव में मात्र 2% लोगों को राशन मिला है, बल्कि 98% लोगों को राशन मिला ही नहीं है, किसी को भी नहीं मिला, एक या दो लोगों को मिल गया है। क्या नाम है आपके कोटेदार का? कोटेदार का नहीं समझ। पति क्या नाम है उनका? कुमरपाल सिंह। कुमरपाल सिंह बोल देता है जो तेरे पे किया जाए, एसडीएम साहब के, एसडीएम के पास जा, डीएम के पास जा, मोदी के पास जा, जो तेरे को करना है। जातिवाद का प्रयोग करता है, जातिवाद के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाता है, हमेशा धुबड़ा करके बात करता है, कभी इज्जत से बात नहीं की। फिर भले ही वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अगर वहाँ कोटे पे अगर अंगूठा लग गया तो ठीक है, और अन्य लोगों के सभी ठाकरों के घर पे लगा देता है, उनके घर पे जाके लगा देता है। हमारे यहाँ से अगर कोई बुजुर्ग या बच्चा या कोई नौजवान भी जाए तो बोल देता है कि अभी नहीं लगेगा, वहीं पर आना। अब वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ कुछ लोगों के लग जाते हैं, कुछ लोगों के नहीं लग पाते, और जिनके नहीं लग पाते उनको राशन बिल्कुल मिलता ही नहीं है। पिछले महीने का तो बिल्कुल दिया ही नहीं, ये बोल दिया कि राशन आया नहीं है, इतने लोगों को आया हमने बांट दिया, और हमने बोला हम तुम्हारी कंप्लेन करेंगे। तो जो इसने बोला जो तेरे पे करने आए सो कर ले, जा धोबड़ा, तू जो कर सकता है जो कर ले। अब ये ऑडियो विषय में तो मेरे संज्ञान में नहीं है, यदि किसी जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इसके संबंध में व्यक्ति थाने पे जाके अपनी तहरीर देके विधिक कार्रवाई करा सकता है। और यदि उनकी समस्या वितरण से संबंधित होगी तो हमारे यहाँ प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, तत्काल एक सफाई इंस्पेक्टर से जाँच करा के और विधिक कार्रवाई उसमें भी करा ली जाएगी। अगर ये पाया जाएगा वितरण में गड़बड़ी की गई है तो उनके ऊपर नियमानुसार अनुशासन की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा कि आप द्वारा बताया जा रहा है कि ऑडियो वायरल होने की सूचना है, खैर मेरे संज्ञान में भी ये बात नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को जात सुधर शब्द कहा गया है और वो व्यक्ति संबंधित थाने पर आके तहरीर दे जाए तो जो भी विधिक कार्रवाई होगी उनकी कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।